female reproductive system. Human beings may, we already discussed male reproductive system, now female reproductive system. Female reproductive system consists of ovaries, आ जाएंगे इसमें पेड़ structures हैं, uterine tubes, then uterus, vagina, and external genitalia. ये सारे parts होते हैं female reproductive system के human beings में. And we can also include pair of mammary gland. तो सबसे पहला part है that is ovary. The first part is ovary. Ovary paired structure है, primary sex organ है. Primary sex organ human में females में paired structure है. And attached to abdominal wall, किससे attached होती है? Abdominal wall से, abdomen की wall से, by ovarian ligament. तो अगर मैं diagram बनाऊं, so this diagram will show the position of ovary with abdominal cavity. तो ये जो part है, this is called ovarian ligament. This part is ovarian ligament. And with the help of this ovarian ligament, the ovary is attached to the uterus wall. Ovary is attached to uterine wall. So primary sex organ hai, to iska matlab it helps in production of female gamete, that is egg cell. Kahan present hai? अपर पेल्विक कैविटी में. प्रेजेंट इन अपर पेल्विक कैविटी. उसके बाद एक और लिगामेंट होता है यूट्रस का, जिसको हम कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट. तो जो ब्रॉड लिगामेंट है यूट्रस का, वो अटैच होता है ओवरी से. सो इफ वी मेक इट फर्दर, ओके, तो ये वाला पार्ट जो है, this is known as broad ligament. This is broad ligament. तो एक तरफ हमारे पास था ovarian ligament. Ovarian ligament उसको uterus के wall के साथ attach कर रहा था. And this is broad ligament. Broad ligament is a part of parietal peritoneum. It is a part of parietal peritoneum. And it helps to attach to the wall of uterus.
और ये डबल फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है, डबल फोल्डेड लेयर, डबल लेयर है पेरिटोनियम की, इसलिए इसको मीजोवेरियम भी कहते हैं, मीजोवेरियम। तो दो लिगामेंट है हमारे पास, सबसे पहले ओवेरियन लिगामेंट, वो क्या कर रहा है, ओवरी को यूट्रस के साथ अटैच कर रहा है, दिस इज यूट्रस, सो ओवरी और यूट्रस के बीच का जो अटैचमेंट है दैट इज ओवेरियन लिगामेंट। दूसरा है ब्रॉड लिगामेंट, ये भी यूट्रस से अराइज होता है, एंड ब्रॉड लिगामेंट इज पार्ट ऑफ पैराइटल पेरिटोनियम, तो ये अटैच होता है थ्रू डबल लेयर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मीजोवेरियम। ब्रॉड लिगामेंट मीजोवेरियम जो डबल लेयर है उसके हेल्प से अटैच होता है ओवरी से। अब ओवरी के पार्ट्स की बात करें, ओवरी के फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन हमें पता है कि मेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और जो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स हैं लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात देखें, ये इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो जो ओवरी है उसकी जो कवरिंग है, ओवरी इज कवर्ड बाय क्यूबिकल जर्मिनल एपिथेलियम, क्यूबिकल जर्मिनल एपिथेलियम है उसमें, और इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में दो पार्ट्स हो जाते हैं, जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड इनर इज मेडुला, आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज मेडुला। जो कोर्टिकल रीजन है उसमें फोलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इन कोर्टिकल रीजन फोलिकल्स आर प्रेजेंट, वो फोलिकल अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में होते हैं, दे आर इन डिफरेंट फेजेस, दे आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, मैच्योर फोलिकल, ग्रेफियल फोलिकल, दे आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विच आर प्रेजेंट इन कोर्टेक्स रीजन और कोर्टिकल पार्ट ऑफ द, तो आउटर कवरिंग होगी क्यूबिकल जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम की कवरिंग को क्या कहते हैं, यहां पे क्या था, पराइटल पेरिटोनियम का डबल फोल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, विसरल पेरिटोनियम। हमेशा आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, पराइटल, एंड इनर कवरिंग इज नोन एज विसरल पेरिटोनियम। तो बाहर की तरफ से ये ब्रॉड लिगामेंट है जो डबल फोल्ड है पैराइटल पेरिटोनियम का, मीजोवेरियम जिसको कहते हैं उससे अटैच्ड है, एंड इंटरनली ओवरी की जो कवरिंग है वो किसकी बनी हुई है, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम की, और जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल लेयर है इट इज कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम। तो पैराइटल पेरिटोनियम एज वेल एज विसरल पेरिटोनियम आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग्स टू द ओवरी। अब एपिथीलियम के नीचे जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजेनिया, इसके नीचे की जो लेयर है ट्यूनिका एल्बुजेनिया, और उसके बाद क्या आ जाता है, स्ट्रोमा।
स्टोमा में आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला, और उसमें डिफरेंट स्टेजेस में प्रेजेंट है क्या फॉलिकल्स, ट्यूनिका एल्बुजिनिया का काम क्या होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसकी लोकेशन हमें पता चल गया इट इज जस्ट बिलो द एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियम, इट इज बिलो एपिथेलियम, और काम क्या है, क्या फंक्शन है इसका, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है और जो व्हाइटिश कलर होता है ओवरी को इट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड प्रोवाइड्स व्हाइटिश कलर टू ओवरी, प्रोवाइड व्हाइटिश कलर टू ओवरी, उसको व्हाइटिश कलर प्रोवाइड कर, सो ये पार्ट हो गया अभी तक, ये यूट्रस हो गया, दिस रीजन इज नोन एज फेलोपियन ट्यूब, और ये यूट्राइन वॉल जो है वो थ्री लेयर्ड होती है, बाद आगे हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद सर्विक्स एंड देन वजाइना, दीज आर डिफरेंट पार्ट्स, और ओवरियल लिगामेंट से क्या अटैच होती है, ओवरियल लिगामेंट से ओवरी अटैच है, तो ये स्ट्रक्चर है ओवरी की, यहां तक कोई दिक्कत है, अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की जिसको हम कहते हैं फोलिकल या ग्रेफियन फोलिकल, ग्रेफियन फोलिकल्स, ये सिंपली वी कैन कॉल इट फोलिकल। तो सबसे पहले चीज हमें याद रखनी है कि बर्थ के बाद फीमेल्स में नो मोर ओगोनिया आर एडेड, या एग मदर सेल जिसको कहते हैं, बर्थ के बाद कोई भी नई एग मदर सेल प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है, जो पहले से ही प्रेजेंट है उन्हीं में डेवलपमेंट होती है, उन्हीं में डिविजन्स होते हैं, और मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल की फॉर्मेशन होती है, ठीक। तो क्या है, आफ्टर बर्थ सबसे पहली बात नो ओगोनिया, ओगोनिया क्या है, एग मदर से, फॉलिकल्स क्या हैं, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे ओसाइट की ग्रोथ होगी और मियोसिस वन अकर होगा, राइट। तो अब सबसे पहले हमारे पास है ओगोनिया जिसको हम क्या कह रहे हैं, एग मदर सेल, इट अंडरगोज माइटोसिस, इसमें हो गया सबसे पहले माइटोसिस, एंड आफ्टर माइटोसिस इज फॉर्म, इट फॉर्म्स प्राइमरी ओसाइट, ये क्या बना रहा है, प्राइमरी ओसाइट, राइट, प्राइमरी ओसाइट,
अगर हम इसका डायग्राम भी बना लें साथ साथ, शोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो सबसे पहले हमारे पास है ओगोनिया। नाउ इट अंडरगोज माइटोसिस, एंड माइटोसिस के बाद इसमें क्या बन जाएगा, प्राइमरी फोलिकल, या जिसको हम प्राइमरी ओसाइट कह देंगे। इसका साइज बड़ा हो जाएगा, साइज इसका बड़ा हो रहा है। And it changes into primary oocyte, a primary follicle. Now it develops, इसका size बढ़ेगा दोबारा से, और जो primary oocyte है इसके चारों तरफ एक layer बन जाएगी, किसकी, graafian follicles, granulosa cells की, तो उसको क्या कहते हैं हम, प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी ओसाइट से प्राइमरी फोलिकल बन गया। देखो दोनों में डिफरेंस है, प्राइमरी ओसाइट क्या था, जो ओगोनिया था उसमें माइटोसिस हुआ, उससे प्राइमरी ओसाइट की फॉर्मेशन होगी, और हर प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ एक लेयर है ग्रैनुलोसा सेल्स की, देन इट इज नोन एज प्राइमरी फोलिकल। सो ये लेयर है ग्रैनुलोसा सेल्स की। सो इट इज प्राइमरी फोलिकल। प्राइमरी फोलिकल में और लेयर्स बन जाती है ग्रैनुलोसा सेल की, एंड देन इट इज नोन एज सेकेंडरी फोलिकल, इसका साइज और बढ़ जाएगा। एंड इट चेंजेस इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल जैसे ही बनेगा इसमें एक बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। जैसे ये टर्शियरी फॉलिकल में चेंज होगा उसमें एक गैप दिखाई देगा, कि बहुत सारी ग्रैनुलोसा सेल्स बनती जा रही हैं कंटिन्यूअसली, तो ये सेकेंडरी फॉलिकल का फीचर हो गया, राइट। और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी, यहाँ पे भी ये सेल्स प्रोमिनेंट होती जाएंगी। नाउ ड्यूरिंग टर्शियरी फॉलिकल फॉर्मेशन एक कैविटी अलग से दिखने लग जाएगी, एंड दैट कैविटी इज नोन एज फॉलिकुलर एंट्रम। एंट्रम का मतलब होता है कीव का एक स्ट्रक्चर, तो टर्शियरी फॉलिकल में फॉलिकुलर एंट्रम की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो न्यूक्लियस है ये अलग से दिखाई देगा, और एक जो सेल्स हैं वो एक साइड में इकट्ठी हो जाएंगी, एंड देन रेस्ट ऑफ द प्लेस विल हैव कैविटी। सो टर्शियरी फॉलिकल, एंड टर्शियरी फॉलिकल में दिस इज अ कैविटी, जिसको क्या कह रहे हैं, फॉलिकुलर एंट्रम। दिस कैविटी इज नोन एज फॉलिकुलर एंट्रम। फॉलिकुलर एंट्रम के बाद
वो चेंज हो जाएगा किसमें, मैच्योर और ग्रेफियन फॉलिकल में. नाउ इट चेंजेस इनटू मैच्योर और ग्रेफियन फॉलिकल. मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स विद न्यूक्लियस ऑन वन साइड एंड सराउंडेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. बहुत सारी सेल्स हैं और बाकी पूरे जो कवरिंग है उसमें ग्रेनुलोसा सेल्स हैं. चलो अभी क्या हुआ है, साइज इंक्रीज हुआ है, दिस इज मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल. सो प्राइमरी ओसाइड से माइटोसिस के थ्रू प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा सेल की कवरिंग, लो कवरिंग्स बढ़ जाती हैं, देन इट इज नोन एज सेकेंडरी फॉलिकल. अपीयरेंस ऑफ फॉलिकुलर एंट्रम, दैट इज टर्शियरी फॉलिकल, एंड टर्शियरी फॉलिकल चेंजेस इनटू मैच्योर और ग्रेफियन फॉलिकल. सो दीज चेंजेस अकर्स. तो प्राइमरी ओसाइड से प्राइमरी फॉलिकल, then secondary follicle, tertiary follicle and mature ग्रेफियन follicle की formation हो गई. एक बहुत interesting event होता है यहाँ पे, जो primary follicle stage होती है, a large number of primary follicles gets degenerated. जब what you say, birth से puberty के बीच में a large number of these follicles gets degenerated. प्राइमरी फॉलिकल कि जब हम मूव करते हैं बर्थ से प्यूबर्टी की तरफ, लार्ज नंबर इज डिस्ट्रॉयड. लार्ज नंबर जो होता है प्राइमरी फॉलिकल का, इट गेट्स डिस्ट्रॉयड. सो बर्थ के टाइम, सॉरी प्यूबर्टी के टाइम पे सिर्फ 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल्स ही प्रेजेंट होती है. सो एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80 thousand प्राइमरी फॉलिकल्स आर फॉर्म. 60 to 80 thousand प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन एट प्यूबर्टी इन ईच ओवरी. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ये एक लार्ज नंबर जो डिक्रीज हुआ, दैट इज नोन एज फोलिकुलर एट्रेशिया. दैट इज नोन एज फोलिकुलर एट्रेशिया, जहां पे एक बहुत बड़ा नंबर इन ईच ओवरी, बहुत बड़ा नंबर डिजनरेट हो गया प्राइमरी फोलिकल्स का फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोलिकुलर एट्रेशिया. तो फोलिकल्स को क्या कहेंगे हम, फोलिकल्स आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स इन विच ओसाइड ग्रोथ एंड मियोसिस वन अकर्स, राइट. मियोसिस वन एंड ओसाइड ग्रोथ अकर्स इन फोलिकल्स. मैच्योर ग्रेफियन, मैच्योर फोलिकल को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेफियन फॉलिकल. मैच्योर को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेफियन फॉलिकल. और उसमें कैविटी प्रेजेंट है और ये जो स्ट्रक्चर है, नाउ इट इज नोन एज सेकेंडरी ओसाइट. दिस इज नोन एज सेकेंडरी ओसाइट. और सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होती है ड्यूरिंग ओवुलेशन. Now what will occur? कि हमारे पास mature ग्रेफियन follicle है. Now this mature ग्रेफियन follicle ruptures, right? और rupture के बाद वो जो
सेकेंड ओसाइट है वो रिलीज हो जाएगी एंड इट चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम राइट. देन ड्यूरिंग नेक्स्ट स्टेज यानी नेक्स्ट फेज दिस मैच्योर ग्राइफियन फोलिकल रप्चर्स. And after rupturing, secondary oocyte is released. यहाँ पे जो secondary oocyte थी it is released. Secondary oocyte and this is ruptured Graafian follicle. Ruptured Graafian follicle. Rupturing हो गई Graafian follicle. Clear? जो रप्चर्ड ग्राफियन फोलिकल है उसको कॉर्पस ल्यूटियम भी कहा जाता है. रप्चर्ड ग्राफियन फोलिकल इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम. रप्चर्ड ग्राफियन फोलिकल इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम. अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. इट्स ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड. कॉर्पस ल्यूटियम इज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है ये. और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बिकॉज इट सीक्रेट्स प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन. ये क्या कर रहा है? प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है. इट इज सीक्रेटिंग प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन. और जो प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन है इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी. कैसे? जो जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, एंडोमेट्रियम की वॉल जो है ओवरी की, उसको यूट्रस की उसको मेंटेन रखेगा. वो डिजेनरेट नहीं होगी. सो हेल्प्स टू मेंटेन प्रेगनेंसी बिकॉज जो इम्प्लांटेशन है ब्लेस्टोसिस्ट का वो एंड्रोमेट्रियल वॉल के साथ होता है. सो इट हेल्प्स टू मेंटेन प्रेगनेंसी. तो उसी डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा दोबारा से आपके लिए रिस्ट्रक्चर करूं, तो दीज आर डिफरेंट स्टेजेस एंड देन रप्चरिंग अकर्स. सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गई थी. सो प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी फॉलिकल, देन ग्रैनुलोसा सेल्स, सेकेंडरी फॉलिकल, then एंट्रम, फोरिकुलर एंट्रम, टर्शरी फोलिकल एंड देन मैच्योर ग्राफियन फोलिकल.
अब जो वॉल्स हैं, जो लेयर्स हैं, ये पूरा का पूरा जो है दैट रिप्रेजेंट मीजोवेरियम, इट रिप्रेजेंट्स मीजोवेरियम। मीजोवेरियम की वॉल हमने पढ़ी थी अभी, कोर्टेक्स या जो डबल फोल्ड है पेरिटोनियम का, पैराइटल पेरिटोनियम का मीजोवेरियम। सो डबल फोल्ड है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, नाउ एक्सेल रिलीज हो गई सेकेंडरी ओसाइट स्टेज पे और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवुलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। और हमेशा याद रखना ओवुलेशन अकर्स ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवुलेशन अकर्स ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम ओवरी इज ओवुलेशन, एंड ओवुलेशन अकर्स ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब सेकेंड ओसाइट के जाने के बाद जो रप्चर्ड ग्राइफियन फोलिकल है, इट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। इसको क्या कहेंगे अब दोबारा से, नाउ इट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। ये दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा और बीच में इसके एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, बाकी पूरा का पूरा एरिया जो है इट रिमेन्स फील्ड विद सेल्स। बट जो सेंट्रल सेल है, जो सेंट्रल एरिया है, दैट इज नोन एज, सो दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम का मैंने बताया आपको क्या काम करता है, कॉर्पस ल्यूटियम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, विच मेंटेन्स प्रेगनेंसी बाय मेंटेनिंग वॉल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम को की वॉल्स को मेंटेन करके रख रहा है, इसलिए प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। ये पूरा का पूरा आपका मेडुलरी पार्ट है, ओवरी का, और जो बाहर का पार्ट है दैट इज कोर्टिकल पार्ट, सो आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला। नाउ इन मेडुलरी पार्ट दिस कॉर्पस ल्यूटियम चेंजेस इनटू नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कॉर्पस एल्बिकन्स। उसको क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकन। अब जो ल्यूटियम है इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें ब्लड क्लॉट होता है, ल्यूटीन सेल्स होती हैं और फाइब्रिन होती हैं। तो ये तो सारी क्या होगी, ल्यूटीन सेल्स, दीज आर ल्यूटीन सेल्स। उसके अलावा इसमें क्या है, फाइब्रिन है, एंड थर्ड स्ट्रक्चर यहां पे जो प्रेजेंट है दैट इज ब्लड क्लॉट। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्पस ल्यूटियम में, ल्यूटीन सेल्स हैं, फाइब्रिन है, एंड ब्लड क्लॉट इज प्रेजेंट। और ये जो व्हाइटिस स्कार बना दैट इज नोन एज कॉर्पस एल्बिकन, दिस व्हाइटिस स्कार इज नोन एज, ये येलो बॉडी कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड येलो बॉडी बिकॉज ल्यूटीन सिक्रेट करता है, ठीक है, ल्यूटीन सेल्स हैं यहाँ पे। अब ये चेंज हो जाएगा किसमें, नेक्स्ट और यू कैन से लास्ट स्टेज कॉर्पस एल्बिकन्स।
कॉर्पस एल्बिकल्स। कॉर्पस एल्बिकल क्या है? इट इज येलो इन कलर, सो येलो बॉडी कहते हैं, सॉरी व्हाइट इन कलर, सो इसको व्हाइट बॉडी कहेंगे। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसने अपना येलो कलर लूज कर दिया एंड इट चेंजेस इनटू कॉर्पस एल्बिकल। नाउ इट बिकम्स इनएक्टिव, इनएक्टिव ग्रुप है सेल्स का। सो दीज आर द चेंजेस विच अकर्स इनसाइड द मेडुला ऑफ द ओवरी, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी ओसाइट टिल द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस एल्बिकल। Try to just organize things in a proper way, just summarize the things. एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारा follicular एंट्रम था, follicular एंट्रम में जो fluid है, fluid of follicular एंट्रम is known as liquor folliculi, liquor folliculi. लिकर फोलिक्यूलाई फ्लूड ऑफ एंट्रम, ये फ्लूड प्रेजेंट इन एंट्रम। जो टर्सरी फोलिकल की फॉर्मेशन होती है वहां पे कैविटी बनती है जिसको हम क्या कह रहे हैं, फोलिकुलर एंट्रम, और उस फोलिकुलर एंट्रम में फ्लूड भरा हुआ है, फ्लूड प्रेजेंट है, एंड दैट फ्लूड इज नोन एज लिकर फोलिक्यूलाई। सो दिस इज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ stages of development of ovarian follicle, stages of development of Graafian follicle, of Graafian follicle. जो Graafian follicle है ये कैसे इसमें changes होते हैं उसका डर। जो ग्रेफियन फॉलिकल से मैंने बताया था कि जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है उससे क्या रिलीज होता है, एक्सेल ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल है उसमें ब्लड फिल रहता है, ये इंटरमीडिएट स्टेज में आपको बता रहा, नॉर्मली मोस्टली बुक्स में आपको नहीं मिलेगी। सो ओवुलेशन के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल है इट्स फिल्ड विद ब्लड, फिल्ड विद ब्लड। और उस सेल को क्या कहते हैं, या उस स्ट्रक्चर को जो ब्लड फील्ड रप्चर्ड फॉलिकल है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कॉर्पस हिमोरेजियम। कॉर्पस फॉर्म्स कॉर्पस हिमोरेजियम। और इसी कॉर्पस हेमोरेजियम की सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट करती हैं और वो सॉलिड मास जो येलो बॉडी है कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन कर देंगी।
अब यहाँ पे कॉर्पस हेमोरेजिया में दो टाइप की सेल्स हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स। ग्रेनुलोसा एंड थीका सेल्स, ये दोनों टाइप की सेल्स प्रोलिफरेट करेंगी, दे प्रोलिफरेट एंड फॉर्म्स क्या बना देंगी, कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको हम क्या कहते हैं, येलो बॉडी, विच इज ऑल्सो नोन एज येलो बॉडी। और इसकी इंपॉर्टेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करेगी कॉर्पस ल्यूटियम, जो मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को, और उसके बाद जो व्हाइट स्टार बनेगा वो क्या कहलाएगा। सो दिस इज दीज आर द चेंजेस विच अकर्स इन अ फोलिकल एंड इट चेंजेस इनटू मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल, क्लियर।